नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का 7, तो ये देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो अभी शाम का 7 नहीं बजा है, 7 बजने वाला है और मैं बैठी हूँ, तो मैं मशीन पे बैठी थी। तो ये नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का 7, तो ये देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो अभी शाम का 7 नहीं बजा है, 7 बजने वाला है और मैं बैठी हूँ, तो मैं मशीन पे बैठी थी। तो ये देखिए आप लोगों को दिखा दूँ, मैं कपड़े सिल रही हूँ। तो ये देखिए, ये बाजू है और ये मैंने पीछे का पार्ट बना रखा है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरीके का गला है, मटका गला बनाई हूँ मैं। तो जो अभी इस टाइम पे अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को पसंद है मटका गला। तो फिर अभी मैंने स्टार्ट किया है सिलना, तो देख सकते हैं आप लोग। तो बस यही अभी बना रही हूँ और एक ब्लाउज मैंने सिल दिया है, दिखा देती हूँ आपको अभी। तो ये देखिए, ये है। और ये कपड़े सब मेरे नहीं हैं, किसी और का ब्लाउज मिला है सिलने के लिए, तो किसी और का ब्लाउज में सिलती हूँ। तो कपड़े थोड़े बहुत मिलते हैं जिससे कि मेरा खर्चा चलता है, घर का और बच्चों का। तो इन सब से मैं अपना खर्चा निकालती हूँ। तो ये देखिए, ये भी ब्लाउज सिला है मैंने, ये पीछे का है और बैक कैमरे से दिख। तो ये देखिए, तो बताइएगा कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। सिल दिया है ये वाला, और उसके बाद दूसरा वाला जो है ये अभी मैं बना रही हूँ। तो ये इसका सिर्फ गला बना है, पीछे से मैंने बना दिया है, और बाकी अभी ये बाजू बना रही हूँ और अभी सिलूंगी। तो ये देखिए, मैंने धागा भी लगा रखा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ब्लाउज की कटिंग तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे कमेंट करके, तो मैं बताऊँगी। तो ठीक है, और जितना हो सके मेरी मदद कीजिए आप लोग। तो मुझे सिलाई आती है, तो कपड़े जो है मैं सिलती हूँ, कपड़े उपड़े मिलते हैं मुझे थोड़े बहुत, तो जिससे कि मेरा घर भी चल जाता है। और है भी नहीं कोई, और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटे से हैं। तो इन दोनों को छोड़ के मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर लूँ। तो बस यही मैंने एक सीखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मेरा सपोर्ट हो जाता है। और ये है मेरी बेटी, बोल हाय कर दो, हाय करो। हाँ, तो ये मेरी बुलबुल है, अभी बैठी हुई है। तो अभी जो है मुझे काम करना है, तो खाना पीना क्या ठीक अच्छा लगा रही। अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, तो अभी थोड़ी देर में बना लूँगी। तो थोड़ा सा कुछ भी बना लूँगी, खिचड़ी वगैरह कुछ भी डाल लूँगी। तो अभी मैं यही कपड़े ही सिल रही थी, तो चलिए अभी मैं सिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। और ये देखो, गुड़िया 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 गुड़िया। और उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं खाना बनाने जा रही थी, तो ये हरी धनिया है और मिर्ची और लहसुन है, तो मैं यहाँ पे पीस लेती हूँ। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी खिचड़ी। तो कैसे बनाते हैं खिचड़ी, तो चलिए वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे पहले मैं पीस लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। तो इस तरीके से अगर खिचड़ी बनाओ तो, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अगर इस तरीके से बनाओ तो। तो ये देखिए, फटाफट से पीस लेती हूँ यहाँ पे, और इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है मसाला, सिर्फ हरा हरा धनिया है। तो अक्सर करके हम लोग गांव में ना इस तरीके से ही बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और पूरी सर्दी हम लोग यही ठंडा मतलब हरी धनिया लहसुन इसी सब चीज़ों का सब्जी और हर चीज़ में डाल के बनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्वाद भी आता है अच्छा। तो इस तरीके से हम ज़रूर से बनाते हैं, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो और ख़ास करके खिचड़ी तो ज़रूर बनाइएगा इसे।
तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मसाला हमारा पिस गया है, तो चलिए अभी हम उठा लेते हैं, फिर उसके बाद से बनाते हैं। और बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो थोड़ा बहुत उन लोगों की आवाज़ आती होगी वॉइस ओवर करने में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले को उठा लिया है, और ये देखिए यहाँ पे टमाटर है, और यहाँ पे चावल भी धो के डाल दी हूँ, और मसाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर टमाटर इतना सब कुछ मैंने एक ही में रख लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कुकर चढ़ा दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे तेल डाल देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे तेल को थोड़ी देर तक गर्म होने देती हूँ, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को एक प्याज काट कर कर रखी थी मैं, तो जितना मतलब चाहिए आप उतना अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है, अभी थोड़ी देर तक गर्म होने देती हूँ, तो थोड़ी देर तक अच्छे से प्याज को पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो आलू। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज हमारा जो अच्छे से चटक चुका है, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, और आलू को भी डाल के थोड़ी देर तक भून लेती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए यहाँ पे आलू को भी डाल दी हूँ, और थोड़ी देर तक इसको पका लूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो आलू को भूनने के बाद फिर चावल डाल दूँगी मैं इसमें। ये देखिए मैं यहाँ पर चावल भी डाल देती हूँ फटाफट से, तो बस अभी अच्छे से मैं चला लेती हूँ। तो बस अभी मैं इसको थोड़ी देर तक अच्छे से चला लेती हूँ, एक ही में मिक्स कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसमें मसाला डाल दूँगी। तो थोड़ी देर तक हमें भूनना है इसको, ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद क्योंकि चावल बहुत जल्दी से मतलब नीचे से पकड़ने लगता है, तो इस वजह से। तो बस अभी मैं इसमें मसाले को डाल देती हूँ, जो सब मसाला था मैंने कटोरी में रख रखा था उसको, और उसके बाद अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के अभी मैं थोड़ी देर तक मसाले को भी भून लेती हूँ, उसके बाद फिर पानी इसमें डालूँगी। तो बस यहाँ पर अभी पानी डाल दी हूँ, अभी चला देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से हम चला लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक के लिए हम छोड़ेंगे इसको। तो थोड़ी देर में अभी हमारी जो है अच्छे से पक जाएगी, और सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैं मतलब खाना हमारा पक चुका था, खिचड़ी में आप लोगों के बनने के बाद कैसा हुआ वो दिखा नहीं पाई, क्योंकि लाइट कट गई थी उस टाइम पे, तो फिर दिमाग से निकल गया मेरे, भूल गई मैं, तो इस वजह से। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा आप लोग, क्योंकि जब आप बनाएँगे तब बनने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कैसा बना है कैसा नहीं, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, फिर मैं दावे के साथ बता रही हूँ बहुत अच्छी बनती है, और अगर अच्छी लगेगी तो बताना हमें कमेंट करके कि कैसी लगी है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई करें। और ये देखिए हमारी जो है खिचड़ी बना ली थी, और उस साइड मेरा जो बनाई थी वो पक रहा था इस साइड में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, जो मतलब खाना पीना बना थोड़ी सी ही तो जगह है, तो बहुत सारा मतलब फैल जाता है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जब तक उधर खाना मेरा पक रहा है तब तक ये सारा काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे साथ साथ बुलबुल भी लगी हुई है, कर रही है, तो देखो मैं भी कर लेती हूँ। तो मतलब थोड़ी सी जगह हो जाती है नीचे, तो बच्चे यहीं पे खेलते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, और उधर साइड में मतलब बर्तन भी हो गए हैं दो चार बर्तन, तो फिर बर्तन को भी अभी धो लूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बर्तन को धोऊँगी। तो ऐसे मतलब बहुत काम हो जाते हैं छोटे छोटे से, क्या कर सकते हैं, मतलब होता है ना कि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा होती है, पर क्या करें, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और खाना पीना बनाते टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फैल जाता है मतलब, और सब कुछ हमें इसमें करना रहता है। तो कुछ लोग समझ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं समझते वो लोग उल्टा कमेंट कर देते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है, पर किसी को समझना चाहिए। और यहाँ बुलबुल को मैं बता रही थी, बेटा तुम ऊपर चले जाओ, जैसे जगह कम रहती है ना, तो कोई काम करो ना तो दिक्कत होती है, तो उसको मैं बोली तुम ऊपर चले जाओ और मैं काम जो है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि वो कहती है कि मैं करूँगी काम करने के लिए, वो हमेशा बोलती है कि मैं मम्मी।
तो मैं करूँगी, तो मैं करने नहीं देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है छोटी सी लड़की काम करे। और ये देखो अभी करने भी नहीं आता, पर उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है करने का। वो देखती है मम्मी कर रही है तो फिर मैं भी करूँगी। और यहाँ बाहर मैं कूड़ा रखती हूँ ऊपर के साइड, तो वहाँ पे रख दे रही हूँ। और उसके बाद ये बर्तन है, दो चार बर्तन, तो फिर मैं अभी बाद में इसको धो लूँगी। पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो गैस भी थोड़ा सा गंदा हो गया, मतलब खाना वाना बनाओ ना तो गंदा हो जाता है। तो अभी पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बर्तन को भी धो लूँगी फटाफट से। तो यही है छोटे मोटे से काम। और मैं ज़्यादा कहीं मतलब बाहर का कुछ भी मतलब उतना बना नहीं पाती हूँ, इसी घर में ही हमेशा, छोटा सा घर है मेरा, मैं इसी में अपना रहती हूँ। तो जो कुछ भी मैं करती हूँ वही सब कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अच्छा आप लोगों को अगर लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हे को भी, तो हाथों हाथ हो जाता है तो ठीक रहता है। क्योंकि रात को ही कर देती हूँ, सुबह फिर मैं अपना आराम से उठती हूँ तो फिर खाना वाना जो रहता है मेरा काम वो कर लेती हूँ। काम भी बहुत मतलब हो जाते हैं, मोबाइल का काम करूँ मैं तब तो होता ही होता है। और यहाँ पे कुकर की सीटी आ गई थी, तो बस अभी बन गया हमारा खिचड़ी। तो चलिए मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो में, और आज तक की यही थी।